हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि आज आपका टर्न है इंग्लिश का, तो आज हम इंग्लिश पे बात करने वाले हैं। तो इंग्लिश देखिए, हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इसमें दो सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए होता है और एक होता है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका किताबी कीड़ा होते हैं और सेक्शन बी में आपके ग्रामर वाली चीजें होती हैं। अब किताबी कीड़ा माने किताब के अंदर कीड़ा नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है कि आप लोग लगे किताब के अंदर कीड़ा खोजने, ये सब नहीं है। तो इस सेक्शन ए में भी तीन चीजें होती हैं, प्रोज, तीन क्या चार समझ लीजिए एक प्रकार से। प्रोज होता है आपका, एक होता है शॉर्ट स्टोरी और एक होता है पोएट्री और एक इसमें आता है आपका ड्रामा। ये चार चीजें आपको मिला के देंगी 50 नंबर और ये चार चीजें मिला के आपको देंगी 50 नंबर। तो आपको जो पढ़ना है सेक्शन ए प्रोज में 7 चैप्टर हैं आपके, कौन कौन से हैं उसको देखते हैं हम। तो देखिए, पहला चैप्टर जो प्रोज में है ए गर्ल विथ अ बास्केट, दूसरा है आपका अ फेलो ट्रैवलर, तीसरा है सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, चौथा है होम कमिंग, पांचवा है आई एम जॉन सर्ट, छठा है वुमेन्स एजुकेशन, सातवां है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। ठीक, अब द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक ड्रामा है, बहुत अच्छा है। इसमें आपको करेक्टर स्केच उसकेच मिल जाएगा, जो किरदार है इसमें साइलाक है, पोर्सिया है, एंटोनियो बेसिनियो है, इन सभी का अगर आप जानेंगे इसको मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, आप चिंता न करें। ऐसा बात नहीं कि मैं केवल फिजिक्स पढ़ाता हूँ, फिजिक्स और इंग्लिश मेरा जो है मुख्य विषय है, न रहने पर सूर्य सर के मैथ भी देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब आती है आपकी शॉर्ट स्टोरी की बात, तो इसमें आपको पढ़ना है द गोल्ड वॉच, शंकु, शंकु चोरकट के विषय में पढ़ना है। अब एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, ज्योतिषी के विषय में पढ़ना है, जो ज्योतिषी बना था झूठ झपाट बोल के अपना ढोंग पाखंड जमाया था। और तीसरा द लास्ट चाइल्ड, गुरेरता है बच्चे को तो बच्चे की तो हालत बिगड़ जाती है, वो वाला चैप्टर है द लास्ट चाइल्ड, द स्पेशल एक्सपीरियंस, ये सब वाला चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, सब अपने आप में बेहतरीन चैप्टर है। और अब देखिए पोएट्री, भाई पोएट्री के तो स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, पोएट्री पे यहाँ पे एक एक पोएट्री का आपको एक ही स्पेशलिस्ट है, यहाँ पे दो तीन स्पेशलिस्ट आपको पोएट्री के मिल जाएंगे। पोएट्री तो इतने जबरदस्त तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि हमको लग रहा शायद ऐसा यूट्यूब पे अभी कोई नहीं पढ़ाएगा, अन्ना पढ़ाया होगा, ये झूठ झपाट, ये हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग झूठ झपाट आपको ब्रह्मास्त्र समास्त्र करके बताएंगे, हम लोग कोई झूठ झपाट नहीं, जो बात तो स्पष्ट होती है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया तो भाई बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे हम लोग, सेंट्रल आइडिया तो आप लोग कहेंगे कि किसी ने पढ़ाया है। परीक्षा में जाके हम लोग रट्टू तोता नहीं बनाते, परीक्षा में जाके ये नहीं कि बैठ गए पोंगा है वहां पे कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ये सब बात नहीं है। तो आपको चैप्टर कौन कौन से है, करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ट्रू ब्यूटी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, आंधरपन ऑन अदरलीनेस, चौथा है एनएलजी रिटर्न इन ए कंट्री चर्चा, पांचवा अलाइनमेंट। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर है, सब अपने आप में सब महारथी है, इसको एकदम बेहतरीन अपने मस्ती में अपने जोश उमंग के साथ पढ़ाएंगे। आप लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना, हिंदी इंग्लिश के लिए तो आप लोग निश्चिंत हो जाइए, हिंदी का जैसा ट्रेलर दिखाया जाएगा कि आप लोग जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। छठा चैप्टर है ला वेले डेम सेंस मर्सी, सातवां चैप्टर है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर, आठवां चैप्टर है माई हिवन, नौवां चैप्टर है स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, दसवां चैप्टर है आपका द सॉन्ग ऑफ द फ्री। अब उसके बाद ये चैप्टर तो आप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपका आता है फिगर ऑफ स्पीच, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफर, अनोमेटोपोया, अपोस्ट्रोफी, सब इसमें आ जाएगा। तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से तैयारी कराएंगे इन सभी के लिए, तो अनसाल्व है अपना, अनसाल्व भी सभी चीजों के लिए है। और उसके बाद सेक्शन बी आपको पढ़ाया जाएगा ग्रामर। ठीक, तो आज हमारा पहला दिन है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर पहला प्रोज का, अ गर्ल विथ अ बास्केट। इसको मैं मैक्सिमम दो या तीन लेक्चर में खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, तो ए गर्ल विथ बास्केट को जबरदस्त तरीके से क्षेत्र में एकदम बेसिक तरीके से घुसूंगा आज। चलिए देखते हैं क्या है चैप्टर। तो देखिए, आज आपका चैप्टर है प्रोज का 1, इस चैप्टर का नाम है ए गर्ल विथ अ बास्केट। अब इसका अर्थ क्या होता है गर्ल विथ अ बास्केट का, अ गर्ल अ माने एक, गर्ल माने लड़की,
विथ जिसके साथ है अ बास्केट टोकरी, अर्थात टोकरी वाली छोकरी, इस चैप्टर का नाम है टोकरी वाली छोकरी। अब ये टोकरी वाली छोकरी माने एक ऐसी लड़की जो टोकरी को बेचती है और अपने जीविकोपार्जन करती है, अपने अपना जीवन यापन करती है। उस कैसे जीवन यापन करती है, उस टोकरी को बेच करके उससे जो पैसा अर्न होता है, उसे प्राप्त होता है, उससे वह अपना घर का खर्चा चलाती है। अब इसके तो इसके जो आथर हैं, जो लेखक हैं, अब देखिए जो प्रोज लिखता है उसको आथर कहते हैं, जो पोएट्री लिखता है उसको पोएट कहते हैं, ठीक। अब जैसे ये है विलियम सी डगलस, इसके जो है आथर है, लेखक है, इसके राइटर हैं, समझ में आया। अब विलियम सी डगलस क्या थे, एक जज थे अमेरिका में, ये क्या थे, कोई कोर्ट था वहीं पे ये थे जज। अब ये जज होकर एक बार इनका मूड किया कि चले जरा भारत घूम के आवे, तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ये भारत आए घूमे, जहां पर इनको एक शरणार्थी बच्ची से इनकी भेंट होती है जो क्या करती है, टोकरी का व्यापार करती है। तो जब उनसे भेंट होता है विलियम सी डगलस का उस छोटी सी शरणार्थी बच्ची से, तो उसके स्वभाव को देखकर बड़े अभिभूत होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, और उसके इस बातों को जाकर, मतलब विलियम सी डगलस और उस लड़की के बीच जो वार्तालाप होती है, जो क्या होता है कन्वर्सेशन होता है, उसको जाकर वो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से व्यक्त करते हैं, बताते हैं। तो जब बताते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से विलियम सी डगलस जी, तो बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को, गौरवान्वित माने बड़े अपने आप को गर्व से ऊंचा उनका सिर हो जाता है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का, भाई इंडिया वाली बात है ना, तो किसी का भी ऊंचा आ जाएगा। तो इतना तो था इनका, थोड़ा सा हम आपको बता दिए कि क्या होने वाला है। जरा सा हम पढ़ते हैं अबाउट द आथर, अबाउट द स्टोरी, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा यहां से हम ट्रेलर बांधेंगे, उसके बाद आपको पूरी फिल्म दिखा देंगे। अब देखिए, तो देखिए क्या है, द स्टोरी अ गर्ल विथ अ बास्केट इज अबाउट विलियम सी डगलस एन अमेरिकन ट्रेन जर्नी फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत। तो देखिए हम शुरू करते हैं, द स्टोरी अ गर्ल विथ अ बास्केट, कहानी अ गर्ल विथ अ बास्केट इज अबाउट, अबाउट माने इज माने है, अबाउट माने विषय में, किसके विषय में है, विलियम सी डगलस, इसको बहुत लोग शॉर्ट में डब्ल्यू सी डगलस भी बोलते हैं। तो ये कहानी है विलियम सी डगलस के विषय में, जो कि क्या रहते हैं, एन अमेरिकन, जो कि एक अमेरिकन रहते हैं। वो भी कब का है ये कहानी, ट्रेन जर्नी, ये उनकी एक ट्रेन की यात्रा है, रेलगाड़ी की यात्रा है, फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, दिल्ली से रानीखेत की। और क्या होता है, द आथर गेट्स डाउन एवरी स्टेशन टू कम्युनिकेट विथ पीपुल, द आथर गेट्स डाउन, मतलब जो लेखक हैं डब्ल्यू सी डगलस, वो गेट्स डाउन माने उतरते हैं एवरी स्टेशन, प्रत्येक स्टेशन पे, टू कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, विथ पीपुल, लोगों से, ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफार्म पर, सो दैट, ताकि ही मे नो, जिससे कि वह जान सके, मे नो माने जान सके, नो माने जानना, द व्यूज ऑफ द इंडियन अबाउट ब्रिटिश, भारतीय लोगों का मत, व्यूज माने एक प्रकार से मत, देखिए यहां पे भाव पे जाइए आप लोग, सही अर्थ पे ना जाए, आप लोग भाव पे जाए, द व्यूज ऑफ द इंडियन अबाउट ब्रिटिश, भारतीय लोगों का विचार किसके प्रति, ब्रिटिश, अंग्रेज को, अंग्रेज शासकों के विषय में, अंग्रेजियों के विषय में, एट वन ऑफ द स्टेशन, एक स्टेशन पे ही मीट्स अ ब्यूटीफुल गर्ल, वह मिलते हैं एक सुंदर लड़की से, ऑफ नाइन, जो कि 9 वर्ष की रहती है, हु इम्प्रेस्ड हिम बाई हर प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, वह उसके महिला के गर्व और सम्मान से क्या हो जाते हैं, इम्प्रेस, प्रभावित हो जाते हैं। कौन किससे प्रभावित होता है, डब्ल्यू सी डगलस प्रभावित होते हैं उस लड़की के सम्मान और गर्व से, किस लड़की के, जो कि 9 वर्ष की रहती है, सुंदर सी लड़की, ठीक। ये रहा अबाउट द स्टोरी, अबाउट द आथर,
अबाउट द गर्ल। अब देखिए इसमें प्रमुख कैरेक्टर कौन कौन है जिसका कि हम नाम लेंगे बार बार में। देखिए तो पहले हैं द आथर, आथर माने डब्ल्यू सी डगलस, इनका बीच बीच में बराबर नाम आएगा, तो डब्ल्यू सी डगलस का हम नाम लेंगे। ठीक, अब क्या है द गर्ल विथ अ बास्केट, टोकरी वाली छोकरी, उसका नाम लेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका नाम लेंगे जो प्रधानमंत्री रहते हैं उस समय। रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, शरणार्थी बच्चियों का, शरणार्थी बच्चियों का, शरणार्थी बच्चे कहते किसको है, शरणार्थी माने जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में शरण लेने के लिए आया हो, मतलब जो पाकिस्तान छोड़ के इंडिया में आ गया उसको कहेंगे शरणार्थी। ठीक, तो ये रहा आपका। अब हम लोग आते हैं टेक्स्ट पे, इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। तो चलिए टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं, इसके क्या पाठ है। तो पैराग्राफ वन, अब ये आप लोग ये ना कहिएगा कि ये अरिहंत किताब सर नकल मार के पढ़ा रहे हैं हिंदी। देखिए हम हिंदी अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, ये किताब वाले चाहे जो दे, हिंदी तो मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं। ठीक, तो चलिए पैराग्राफ वन है, देखिए पैराग्राफ वन। तो क्या है पैराग्राफ वन, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस। आई हैड लेफ्ट, मैं चल पड़ा, लेफ्ट माने मैं रवाना हो गया, निकल पड़ा, न्यू दिल्ली नई दिल्ली के लिए, फॉर द हिमालयाज, नई दिल्ली से हिमालय के लिए, मैं नई दिल्ली से हिमालय की ओर प्रस्थान किया, निकल पड़ा, चल दिया। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, किस टेंस में का वाक्य है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, कहां तक जा रहा था, बरेली तक जा रहा था, किसके द्वारा जा रहा था, बाई ट्रेन, ट्रेन से जा रहा था। एंड देन, और तब, बाई कार टू रानीखेत, कार से रानीखेत जा रहा था। बरेली तक तो मैं कहां किससे गया, ट्रेन से गया, लेकिन उसके बाद कार से रानीखेत निकल पड़ा, चल दिया। रानीखेत क्या था, अब उसका परिचय दिया जा रहा है आगे के इस लाइन में। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, जो कि क्या थी, एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, ब्रिटिश माने अंग्रेजी शासकों की सेनाओं की हिल स्टेशन, छावनी थी, छावनी माने जहां पे लोग रुक के विश्राम करते हैं, जो क्या थी, अंग्रेजी सेनाओं की, रानीखेत जो क्या थी, जो अंग्रेजी सेना थी उसकी छावनी थी। वो कहां पे बनी हुई थी, लोकेटेड, स्थित थी, ऑन अ 6,000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। अब अंतिम लाइन में आओ और यहां से जोड़ के पहले को जोड़ो, जो क्या थी, अंग्रेजी शासकों की एक छावनी थी जो स्थित थी 120 मील स्ट्रेच, मतलब 120 मील तक फैले हुए बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट साइड में, और वो भी कितनी ऊंचाई पर, 6,000 फीट की ऊंचाई पर, जो ब्रिटिश सेना की छावनी थी वह 120 मील तक फैले हुए हिमालय, बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट साइड माने विपरीत पक्ष में, विपरीत साइड 6,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित थी। ठीक, इतना तक तो समझ में आ ही रहा होगा। द ट्रेन वाज स्लो, जो रेलगाड़ी थी बहुत ही धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, वे स्टेशन माने रास्ते में पढ़ने वाले सभी स्टेशनों पर, ये जो रेलगाड़ी थी रास्ते में पढ़ने वाले सभी स्टेशनों पे क्या होती थी, रुकती थी। एंड एवरी स्टॉप, एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक रुकान बिंदु पर, ठहराव स्थल पर, आई स्वंग ओपन, मैं खोल देता, मैं झटके से खोलता था, द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने बोगी के दरवाजे को मैं झटके से खोल देता। ये कौन कह रहा है, ये डब्ल्यू सी डगलस कह रहे हैं, मैं खोल देता था झटके से प्रत्येक स्टेशन पे अपने बोगी के दरवाजे को। ठीक, एंड वाग्ड, अब इनको पागलपन तो चढ़ा नहीं था कि खोल देंगे, अभी खोल के कुछ करते रहे होंगे ना। एंड वाग्ड द प्लेटफार्म, खोल करके मैं प्लेटफार्म पर टहलता था। ठीक, इतना तक तो समझ में आ ही रहा होगा। देखिए भाई, मैं बहुत अपने जानने में बहुत अच्छे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, अब आप लोग रिस्पांस करिए, लाइक जरूर करिए,
क्योंकि देखिए मैं आप लोग के लिए पसीना में वीडियो बनाता हूँ, कितना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग समझ रहे हैं। अब हम हैं, चाहे राजन जी हैं, चाहे आपके सूरज सर हैं, हम लोग कितने, आप लोग तो बैठ के एसी में मजा ले रहे होंगे, हम लोग पसीने में भीग के वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग को जब रिस्पांस नहीं मिलता तो अंदर तो गुस्सा आता है, मन तो कहता है तो 3 दिन का वीडियो रोक दिया जाए, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, हम लोग मजाक कर रहे हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, ठीक। तो इतना तक तो समझ में आ गया। अब देखिए द प्लेटफॉर्म्स वेयर पैक्ड विथ पीपुल, जो प्लेटफॉर्म थे आपके वेयर पैक्ड विथ पीपुल, लोगों से भरे हुए थे, ठीक। अब वे लोग कौन कौन से थे जिनसे कि वो प्लेटफॉर्म भरा था? वो लोग थे सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोल्टर्स, बेगर्स, हाकर्स। सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सोल्जर माने सैनिक थे, सिपाही थे, मर्चेंट माने व्यापारी थे, प्रीस्ट माने पुजारी थे, पोल्टर्स माने आपके कुली, बेगर्स माने भिखारी, और हाकर्स माने फेरी वाले, ये लोग थे। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बियर फुट, लगभग एवरीवन, प्रत्येक लोग, मतलब जितने भी लोग थे प्लेटफार्म पे, वाज बेयर फुट, नंगे पैर थे, अनड्रेस्ड, और पहने हुए थे इन लूज व्हाइट गारमेंट, सफेद कपड़ा पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपुल, मैंने बात किया होगा, उड लग गया माने किया होगा, मतलब पुरानी बात को अगर बताया जाता है तो उड का प्रयोग किया जाता है भविष्य की बात को। आई वुड आस्क, मैंने बात किया होगा एट लीस्ट 3 पीपुल, 3 लोगों से, तब आई कुड फाइंड, मैंने पाया वन हु स्पोक इंग्लिश, एक व्यक्ति जो इंग्लिश बोलता था। वी वुड टॉक, हमने बातचीत की, वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड माने सांसारिक, अफेयर्स माने मामलों पर, सांसारिक विषयों पर, सांसारिक मामलों पर, एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और उस दिन के समाचार के, समाचार पत्र अर्थात न्यूज़पेपर के जो मुख्य बिंदु थे, मेजर टॉपिक माने जो मुख्य बिंदु थे, उस पे हमने बातचीत की। कौन किससे बात किया? WC डगलस अर्थात आथर, और वो आदमी जो अंग्रेजी बोलता था, इन लोगों ने आपस में बातचीत की सांसारिक मामलों पे, और न्यूज़पेपर में जो उस दिन के मुख्य मामले थे, जो मुख्य समाचार थे, उस पे इन्होंने बात की। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार से मैं जानने का प्रयत्न कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू गेट, मैं जानना चाहता था अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, राष्ट्र की नाड़ी को अर्थात राष्ट्रीयता की भावना को जानना चाह रहा था उसके माध्यम से, ठीक, राष्ट्रीयता की भावना को जानना चाहता था। चेकिंग ओपिनियन क्या करना चाहता था, उनके विचारों को चेक कर रहा था, जांच रहा था, परख रहा था, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। ऑफिशियल एटीट्यूड माने जो आधिकारिक दृष्टिकोण है, मैं आधिकारिक दृष्टिकोण और रिपोर्टों के आधार पर उसके राष्ट्रीयता की भावना को जांच रहा था, परख रहा था। WC डगलस ने इसीलिए उससे बातचीत की, ठीक। देखते हैं आगे। तो आज के लिए हम सोच रहे हैं कि एक ही पैराग्राफ आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि आज एक प्रकार का डेमो क्लास है, आपको ट्रायल क्लास चलाया जा रहा है कि हम लोग हिंदी इंग्लिश अच्छे से चला पा रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स पागलों के लिए नहीं है, आप लोग के लिए, ये तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अब देखिए इस चैनल पर 5 के 5 विषय चल रहे हैं, आपका फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, हिंदी इंग्लिश और मैथ तो चल ही रहा है, बस रही समस्या बायो की, तो वो भी जल्द से दूर होने वाली है, उसके भी टीचर जल्द ही इस चैनल पे लाए जाएंगे। और कुछ, अब मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ, अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीजिए, ये किसी जगह से बहकावे में आ जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के। तो ऐसा देखिए, जब आपको चैप्टर का ज्ञान नहीं होगा,
अगर आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन पकड़ा दिया गया चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स आपने रट लिया, उसमें बीच में आ गया कहीं चुंबकीय क्षेत्र, तो जब चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञान नहीं है तो आप चुंबकीय फ्लक्स का कितना ही रट ले, विद्वान आदमी आपसे ये क्वेश्चन जो आप रट के जाएंगे वो नहीं पूछेगा, उसके गहराई को पूछता है। अब ये चैप्टर है, अब इसमें एक जगह आया था आई वाज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन, पूछ देगा कि इसका अर्थ क्या है, तो अर्थ तो आप लोग रट के गए रहेंगे बता देंगे, लेकिन पूछ देगा कि ये किस टेंस का वाक्य है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यही अंतर होता है कुशल अध्यापक और एक रटाऊ अध्यापक में। जो अच्छा टीचर होता है वो आपको बारीकियों से आपको अवगत कराता है, लेकिन जो रटाऊ टीचर होता है, कोई टीचर देखिए अपने आप में बुरा नहीं होता, मैं नहीं कहूंगा कि वो टीचर बुरा है या फलनवा बुरा है, टीचर सब अच्छे होते हैं, लेकिन सबके पढ़ाने की टैक्टिक्स अलग अलग होती है, समझ रहे हैं ना। मैं नहीं कहता हूं कि राजन जी बेकार केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, उनके हिसाब से पूरे यूट्यूब को नहीं पढ़ाता है, लेकिन भाई वो क्यों अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास अच्छी टैक्टिक्स है, वो बच्चों को समझा लेते हैं, बच्चों के दिलों में वो राज करते हैं। क्यों मैं फिजिक्स अच्छा पढ़ा लेता हूं, क्योंकि मेरे पास समझाने की वो टैक्टिक्स है, मैं बच्चों के दिलों में राज करता हूं। क्यों सूरज सर बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं, क्योंकि भाई उनके पास वो टेक्निक है जिससे कि वो गधे को भी स्टार बना दे मैथ का, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग केवल जम के देखिए वीडियो, ऐसी बात नहीं है, आप लोग केवल वीडियो पे डिपेंड रहिए। और एक चीज ये भी बताना था, हमको सूचना कुछ देना था आपको, जो आप लोग पीडीएफ रट मारते हैं, पीडीएफ का रट मार रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हमको सूरज सर ने ऐसा बताया कि बच्चे कुछ पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं, पीडीएफ माने किताब, एक प्रकार से किताब में भी तो दिया है वही चीज जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो काहे ना आप लोग किताब से पढ़ते, काहे कोचिंग जाते हैं, काहे स्कूल जाते हैं, जब सारा मैटर आपको पीडीएफ में मिल जा रहा है, आप लोग पीडीएफ से ही संतुष्ट हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर आपको चाहिए नहीं, तो आप लोग तो किताब से भी तो पढ़ सकते हैं, वो भी तो एज ए पीडीएफ है। तो हम लोग आपके आपके पास भी भरपूर समय है, हम लोग चाह रहे हैं कि आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाए, बेसिक लेवल से आपका एडवांस लेवल तक क्लियर हो जाए, लेकिन आप लोग को तो वही पीडीएफ स्वर्ग हुआ है। सोरर सर ने हमको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमके रुकिए अच्छा अपने बच्चों को हम जरा सेट करते हैं ठीक ठाक, तो ऐसी बात नहीं है, आप लोग पढ़िए भाई, अभी कुछ दिन में आपको पीडीएफ दिया जाएगा ना, अब चिंता काहे ले रहे हैं, जैसे ही फर्स्ट पेपर खत्म होगा आपको पूरा पीडीएफ दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पे सब अनसाल साल पेपर, आपको प्रीवियस ईयर पेपर सब सॉल्व कराया जाएगा, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बस वीडियो लेक्चर का मजा लीजिए और तैयारी करते रहिए, यही बस हम चाहते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, धन्यवाद।